प्याज मैंने निकाल लिया। किचन में सबसे मुश्किल काम जो है ना भाई, प्याज छीलना है। प्याज छील, कैसे हैं आप सब? मैं कहता हूँ सब खैर खैरे से ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं सपोर्ट से अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग मजा, क्योंकि आज मैं बना रहा हूँ घर में चिकन कोरमा, तो आप देखे बड़े हैरान रहेंगे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल तो चलते बनाते हैं। मतलब तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो पहले चेक करते हैं गैस आई कि नहीं आई। बहुत तेज हो रहे हो हैं। अभी तो हवा का प्रेशर था, गैस अभी नहीं आई, तो इसमें हम प्याज वगैरह छील लेते हैं। प्याज मैंने निकाल लिया, अब इसकी कटिंग करते हैं। कंट्रोल किचन में सबसे मुश्किल काम जो है ना भाई, प्याज छीलना है। प्याज छील लिया माशाल्लाह मैंने। अब टमाटर वगैरह छीलते हैं, हरी मिर्च, फिर बाकी काम दिखाता हूँ बाद। टमाटर मैंने छील लिया, तो यहाँ से उस मसाले वगैरह मैं निकाल लेता हूँ। जीरा हो गया, नमक, काली मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्चें, तो सारे को पेस्ट बना कर इंशाल्लाह डालेंगे तो जायका अच्छा हो जाएगा। कमेंट में लाजमी बता देना सही बना लो कि नहीं। तो प्याज मैंने हंडिया में डाल दिया। अब प्याज को फ्राई करते हैं अच्छी तरीके से, जब तक इसका पानी खुश नहीं होगा तो हमने भी कोई चीज़ नहीं डाल के साथ गोश्त ऐड कर देते हैं ताकि गलाई इसकी अच्छी हो जाए। चिकन कोरमा बना रहे हैं हम। टमाटर तो है, मैं क्या था थोड़ी सी दही हो जाए तो इससे जायका अच्छा हो जाएगा। और जी जितने भी पेस्ट है ना, सारे मसाले वगैरह मैंने एक प्लेट में इकट्ठे कर लिए हैं, अभी नेक्स्ट साथ डाल देंगे। तो लो जी, गोश्त और प्याज अच्छे से भून गया। ज़्यादा हो गया यार, किचन में तो बड़ा मुश्किल खाना बनाना। मैंने जिक्र करके बनाना चाहिए, सुन्नत भी है, क्या नाम है, दूसरे पर्दे से जायका अच्छा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जमात में कह रहा वही तो वही सीख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जब तक तो ये पानी है, ये प्याज का पानी खुश्क नहीं होगा ना, हम ये जैसा सामान जैसे प्याज पड़ा ये अभी डालेंगे। इसमें रहना है कि बच्चे ना जमने भी देना प्याज हमने गोश्त इसको। तो अब बारी इसके पेस्ट के डालने की, तो अब हम इसे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह चलाएंगे। लाइक कमेंट लाजमी कर देना फ्रेंड। लो जी, आज तो मैं आजाद इंसान ही बन गया। अल्लाह बरकत दे तुम्हारे खाना में, तुम्हारे जायकों में, माशाल्लाह बड़ी खुशबू आ रही है। Few minutes later. मैंने पानी डाल दिया इसमें, अब थोड़ा सा एक पकाई होगी इसकी। हो रही है यार, बहुत गर्मी होगी एकदम। खाना माशाल्लाह तैयार हो रहा है, मैंने रख दिया, पानी डाल दिया मैंने, इंशाल्लाह गल जाएगा आधे घंटे में, फिर माश फिर खाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो अगर चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं गला। तो लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन तैयार हो चुका है कोरमा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको खाने की देर है, रोटियां ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खाना बन चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। तो अब इसे खाने की देर है, तो रोटियां लेके आनी है बाजार से। रहा नहीं जाता, रोटियां ले आएंगे फिर खाएंगे माशाल्लाह, बहुत मजा आएगा, खाओगे आज मजा आ जाएगा, अपने हाथ से बना खाने का तो मजा ही अलग है। तो चलते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज पढ़ के फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने पढ़ लिया, मैं रोटी लेने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। धूप बड़ी तेज हो रही है, जैसे खाते यार आने जा रहा, बड़ी तेज धूप लग रही है। चल रहा खाना, बहुत मजा आ रहा, खाना खा के मजा आ गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं बहुत थक भी चुका, मैं आराम करूंगा, मीट करता हूँ आपका, मेरी कुकिंग देख के बहुत मजा आएगा।
इंशाल्लाह मिले नहीं, मैं अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।